नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मेरे सहयोगी संजय जी मेरे साथ हैं। आपको बता दें, आज हम दादी सती रानी सती के मंदिर प्रांगण में हैं, जहां पे श्रावण के अवसर पे भक्तों का ताता ही देखते ही बन रहा है। और आज रानी सती माता का सिंघारा का भी प्रोग्राम था, पूजा पाठ था। सभी श्रद्धालु यहाँ पे तन मन धन और श्रद्धा भक्ति के साथ में उपस्थित हुए हैं। आइए, इसी से जुड़ा हुआ हम माता रानी का आपका दर्शन करवा करके चीज़ों को और विस्तार से समझ के आप सबों को और स्वयं भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय दादी की जय। महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कारणी। हे पिता श्री सिंघार कर श्याम, दादी जी का लाड मिलके सारा है विघ्नहर्ता है गजानन श्री गणेश। साम्य सदा शिव संकट मोचन हनुमान जी, मां अंजनी के लाला, मां सीता के दुलारा, प्रभु राम जी के प्यारा। श्री रानी सती दादी मंदिर प्रांगण में 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झंडा तोलन के साथ साथ श्रावण झूलन उत्सव श्री रानी सती दादी मंदिर 2 माइल सेवक रोड मंगल पाठ 56 भोग भंडारा और माता रानी के भक्तों के अंदर समर्पण देखे ही बन रहा था। आपको बता दें कि सभी अपने घरों का बना हुआ 56 भोग माता को समर्पित कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करके पुण्य के भागीदार हुए। सबसे प्रेरणादायक बात श्रद्धालुओं के लिए यह रही, व्हीलचेयर पर श्री गंगाधर नकीपुरिया की पत्नी एच सिलिचना नकीपुरिया जी भी माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पहुंची और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। आइए, इसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट को देखते हैं और चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय सिया राम जी, जय हनुमान जी, जय सिया राम जी, जय हनुमान जी, भैया लखनलाल की जय, प्रभु राम जी की जय, माँ सीता की जय। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। हो गया था एकदम, और इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ कि मतलब देखते ही बन रहा था। और हमारा आज 15 अगस्त का प्रोग्राम हमने फ्लैग होस्टिंग का किया, उसके बाद से हमारा दादी का सिंधारा उत्सव, हम लोग दादी का झूला, मंगल पाठ, 56 भोग की भी हमारी ये विशेषता थी कि अभी बाजार का नहीं लिया, हम लोग सभी भक्तों को बोला तो सभी भक्त अपने घर से रेडी करके 56 भोग का प्रसाद लेके आए दादी को रिझाने के लिए, और वो दादी का वही भोग लगा। और उसके बाद में हमारे भंडारे का प्रोग्राम था आज। यहाँ कम से कम भी माने सब मिला करके 400 भक्त थे, और ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जो व्हीलचेयर पर भी आज आए यहाँ पर। मतलब दादी में इतना मतलब उत्सुकता थी सिंधारा के लिए, तो व्हीलचेयर पर भी लोग यहाँ पर आए। और मैं श्री किशन रामपुरिया, मेरे को यहाँ पे अध्यक्ष का पदभार दिया हुआ है, ऐसे दादी की सेवा का मौका करने का मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका ग्लोबली न्यूज़ चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तब भी टाइम निकाल के 15 अगस्त को सबके यहाँ बहुत मतलब रहता है प्रोग्राम, लेकिन उसके बाद भी दादी के भगत इच्छुक होके यहाँ पर आए और बहुत अच्छा से वो लोग समय दिए हैं। और हम लोग का 1 तारीख को कलश यात्रा है पंजाबी पारा से दादी मंदिर में, 1 सितंबर को। 2 तारीख को हम लोग का यहाँ कीर्तन होता है और भंडारा चलता है। 3 तारीख को भी हमारा पूरा मॉर्निंग से चालू हो जाता है। सब मेंबर और जितने भी यहाँ पर आते हैं सब मंगल पाठ में भी बैठते हैं। और आज का प्रोग्राम मैं और क्या विशेष बोलूँ, जय दादी। क्या संदेश देना चाहूँगा? देखिए, ये सिंधारा उत्सव एक्चुअली लेडीज़ों का होता है, लेडीज़ में हम लोग सिंधारा करते हैं अपने बहन बेटियों का, तो ये एक ही नारी शक्ति सर्वशक्ति होती है, उस पर ध्यान रखते हैं। पंद्रह अगस्त के स्वाधीनता दिवस के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना। श्री रानी सती दादी मंदिर 2 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी में आज दादी जी का सिंधारा उत्सव झूला उत्सव का आयोजन किया गया।
ये प्रत्येक वर्ष सावन महीने में आयोजित होता है। इसमें हम लोग दादी जी का सिंदारा, भंडारा, मंगल पाठ, छप्पन भोग इत्यादि अनेक प्रोग्राम करते हैं। अनेक संख्या में महिलाएं, पुरुष और सभी इस भजन और मंगल में उपस्थित रहते हैं। मैं विकास बंसल, सचिव शक्ति मंदिर सेवा ट्रस्ट। आज मैं देवेंद्र तुलशान। आज लगभग कितने भक्तगण यहाँ पे उपस्थित हैं? करीब करीब 350-400 भक्त उपस्थित थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छा उत्सव था। ये उत्सव हर साल इसी तरह से मनाते हैं हम लोग। और एक सूचना और दे दूं कि अगला जो सबसे बड़ा उत्सव हमारा होता है वो भादो।